तो दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल किसमें, फिल्मोनिया। देखा, सबको याद है फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा वो ये कि कल एक वीडियो आया था जिसमें मैंने उन बच्चों से बात की जो मुंबई पहुंचे और एक्टिंग के सफर में उन्होंने एक कदम बढ़ाया। एक वर्कशॉप उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट की जिसको 4 दिन हुए, 40 दिन नहीं हुए, सिर्फ 4 दिन हुए। 4 दिन में डेफिनेटली मैंने उनको कुछ ऐसा ज्ञान नहीं दे दिया होगा कि जिससे वो प्रो हो गए होंगे, लेकिन डेफिनेटली उनको ये समझ में आ गया कि एक्टिंग को समझना पड़ता है। एक्टिंग एक विधा एक आसान नहीं है कि आप आओ और बस ऑडिशन दे दो और काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये भी मैंने बताया कि कोई कहाँ से आया था, किसकी क्या जर्नी थी, कोई दुकान बेच के आया तो कोई जॉब छोड़ के आया, कोई अपने मोबाइल की शॉप चलाता था तो छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि एक सपना देखा उन्होंने और उस सपने को पूरा करने के लिए वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है कि बॉस, आप अपने अपने क्षेत्र से, आप अपने एरिया से निकलकर, अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर आप मुंबई में आते हैं जहाँ कोई कम्फर्ट जोन है ही नहीं, जहाँ आपको पता है कि आपको कमरा पता नहीं कैसे मिलने वाला है, आपके साथ रहने वाला इंसान कैसा होगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जैसे बबीता है, बबीता बिल्कुल शाकाहारी है और जहाँ वो रह रही है उसके आसपास चारों तरफ मच्छियों का बाजार है। तो ये कितनी बड़ी टास्क है कि आप एक कंफर्ट जोन को छोड़कर, जहाँ आप अपने घर में आराम से सुकून से रहते हैं, जहाँ आपको हर चीज़ आराम से मिलती है, वो सब कुछ छोड़कर आप मुंबई आते हैं सिर्फ किस लिए? अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो आपने देखी हैं। तो सपने देखना बड़ा आसान है, उनको पूरा करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप यहाँ तक आ चुके, जब आपने ये बड़ी इतनी बड़ी हिम्मत दिखा दी कि आप यहाँ तक पहुँच गए, तो अब आपकी आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सपने को साकार करें। तो आज ये 5 लड़कियाँ मेरे साथ हैं। लड़कियाँ मैं क्या कहूँगा, मैं मेरे लिए तो बहुत सम्माननीय है। बबीता, सिद्धि पहले से जुड़ी हैं, प्राची, जयश्री भी पहले से जुड़ी हुई थी, और सितारा। दो तीन लड़कियां अभी नीचे हैं, काम कर रही हैं। एक तो उनकी बातें बाद में करेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये यहाँ तक पहुँची है, इनकी जर्नी कुछ कैसी रही होगी यहाँ तक पहुँचने की। तो ये शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बबीता से। तो क्योंकि मैं बबीता को पर्सनली जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सुने उसके बारे में। जो बबीता है, और बताओ फिल्मोनिया परिवार को। हेलो, मैं ये सपना तो मेरा बचपन से ही था, जब से मुझे मतलब थोड़ा सा होश आने लगा था कि हाँ, ये टीवी तक पहुँचते कैसे हैं। ये तो पता था कि काम करते हैं टीवी में, मुंबई में होता है, ये नहीं पता था रास्ता क्या है वहाँ जाने का। तो थैंक यू सो दर्पण सर कि आपकी वीडियो मैंने देखी, मुझे पता चला कि हाँ ये रास्ता है, नहीं तो मैं तो हाउस वाइफ ही बन के रह जाती जैसे थी उसके बाद। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बहुत एफर्ट लगाया है कि हाँ मेरे घर में खाने को नहीं था या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक माता रानी की कृपा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरा सपना था जो मुझे पूरा करना था, बस वो सपना पूरा करने के लिए दर्पण सर की ऑनलाइन क्लास हुई, मैंने वो की, उसके बाद थोड़ा सा हौसला और बढ़ा, फिर से दोबारा से की, फिर मैंने थिएटर किया मुंबई में आने के बाद। थिएटर को पता नहीं, वो बीच में ही कोरोना खा गया हमारा प्लेन नहीं हो पाया तो फिर 1 साल का गैप आ गया। अभी फिर से पता चला कि ये भी तो मिठाई किया ये हाँ, तो बताऊंगी सर, बताऊंगी सर असली बात बता रही लड़की हमारी तो थिएटर करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब के सर ने मुझे ऑडिशन भेजा, मैंने ऑडिशन दिया, क्रैक हो गया वो, फिर मुझे मिठाई में काम मिला और मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन और सब लोगों को भी अच्छा लगा, दर्पण सर को बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर ने बोल दिया गुड, मेरे लिए हो गया, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो। मैं इसके बारे में एक चीज बताता हूँ, आप सुन सकते परेशान हो गए। फर्स्ट टाइम जब इसे मुझे अप्रोच किया कि सर मुझे
ये आई थी मेरे मीटअप में आई थी, मिली और इससे कहा कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, काम करना है। तो तब हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी जूम पर, तो मैंने कहा ठीक है आप जूम पे आओ और क्लास शुरू करेंगे। तो बोलती वहाँ कितने लोग होंगे, मैंने कहा वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। हैरान, मैं कैसे आऊंगी उनके सामने मैं उनके सामने कैसे आऊंगी। अरे अरे मैंने कहा मेरा तो माइक लगाओ, मैं क्यों मेरा माइक लगाऊं, आपने लिया मेरा माइक। तो मैंने कहा यार अरे जूम पे आना है। नहीं सर मैं कैसे आऊंगी सर, वहां लोग देखेंगे मुझे। अरे मैंने कहा देखेंगे, मैं देख लेते मेरे पल्लू वल्लू लेके आएगी क्या। लेकिन फाइनली इसने हिम्मत करी और आज इसको मैं 1000 लोगों के बीच में छोड़ दूं, ये अपनी परफॉर्मेंस करके दिखा देगी। बिल्कुल, इतना इतना जज्बा इसमें आ चुका है। बट हाँ, यहाँ आके अच्छी जगह रह रही हूँ ऐसा नहीं है, बट रात को रोज रो के सोती हूँ लेकिन सुबह उठती हूँ कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अपना सपना पूरा करना है तो करना है। तालियां। घर की याद सबको आती है सर, घर के साथ बस ठीक है ना, घर की याद ना, मुझे करना है, मेरा सपना है सर, किसी ने मुझे जबरदस्ती रोक के नहीं रखा है, यहाँ मेरे सपने ने रोक के रखा है और वो मैं गिव अप नहीं करूंगी, नेवर नो। ये बात। अब आती है बारी सिंधी की। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ। जोर से बोल, जोर से बोल। हेलो, मेरा नाम सिद्धात्री सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। और मैंने भी वीडियो देखा था एक दिन यूट्यूब पे सर का, लेकिन तब सर नहीं बनाते थे वीडियो, ये वर्कशॉप नहीं चालू थी, लेकिन हाँ थिएटर का एक पहला थिएटर इन्होंने किया था मैंने देखा, और फिर लकीली उन्होंने दूसरा थिएटर का पोस्ट डाला और फिर मैं पहुँच गई सर के पास, और सर के पास मैंने ट्रेनिंग ली, लेकिन कोरोना हुआ और फिर नहीं हो पाया। फाइनली अभी मैं वो क्लास कर रही हूँ, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, स्ट्रगल हुआ, मैंने खुद से ट्राई किया, लेकिन एक दिन वो आया जब सर ने मुझे मिठाई के लिए कॉल किया और मैं गई, मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो लाइट कैमरा एक्शन। जो आपको मिलता है जॉब सैलरी सब देते हैं, आप काम करोगे ऑब्वियसली सब देंगे, लेकिन जो आपका सपना है, आप चाहते हो, आपका आप मेकअप करवाओगे, आप जाओगे पार्लर में पैसे खर्च करोगे, वो पैसे लेगा ना, और आप गए अपना सपना पूरा किया, आपके लिए वही सेम मेकअप आ रहा है, आपको मेकअप कराने के पैसे। क्या बात है। तो वो सब मैंने फील किया है, एक एक चीजें मैंने फील किया, और फाइनली जब मुझे मेरा चेक मिला है इतने दिन बाद, तो मैंने जब अपना चेक देखा ना, बाय गॉड मुझे रोना आया कि यार ये मेरी कमाई है, मैंने पहले भी पैसे कमाए हैं, पहले भी जॉब करती थी, लेकिन ये चेक मेरे सपने, वो लाइट कैमरा एक्शन जो मैंने सुना है अरविंद बब्बल सर का, वो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस आज भी वो कान में गूंजता है कि यार वो। इसलिए मैं सर कभी भी, मतलब ये मेरे पापा जैसे हैं, इसी बीच में मेरे पापा नहीं रहे, मेरे पापा चले गए कोरोना के दौर में, लेकिन फिर मैंने वो शायद वो देख पाते अभी, शायद मैं आगे और भी काम करूं, और मैं अभी क्या बोलूं, बस वो चेक मुझे देख के मुझे मतलब काश वो मेरे पापा देख पाते कि मैंने वो अपनी जो मेरी जॉब थी उससे अचीव किया। सो स्वीट, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। एक अलग होती है जब सेट पे हो, तुम्हें कोई करेक्टर मिला है उस नाम से बुलाया जाए, जैसे मुझे बुलाया जाता था ना, बुआ जी आ जाइए, बुआ जी आ जाइए, इतनी खुशी मुझे मिलती थी कि मैं एक करेक्टर है मेरा बुआ जी ही सही, मैं बहुत खुश हूँ सच में। पैसे तुम्हें भी मिले? मुझे पैसे मिले सर, मुझे तो आने जाने के पैसे मिले, खाना भी वही था, सब कुछ, केयर कितनी थी, और वो जो किसने आज तक इतनी केयर नहीं की सेट पे होती है, और वो जो डायरेक्टर सर बोलते थे और फूफा जी आए, और फूफा जी यहाँ बैठे, हाँ गए, हाँ फूफा जी, हाँ मिठाई, चलो चलो इधर आओ, हाँ वेरी गुड, फूफा जी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब वो अभी भी मेरे कान में गूंजती है। और बबल सर भी बोलते थे बुआ जी आ जाइए, बुआ जी, बहुत खुशी होती है सच में सर, बहुत अच्छा लगता है। चलिए इनका एक्सपीरियंस था, अब हम आते हैं सितारा की तरफ। सितारा बताओ तुम कौन से गांव से हो, तुम इससे पहले क्या करती थी और यहाँ तक का सपना कैसे तय किया, यहाँ तक पहुँची कैसे? हेलो, मेरा नाम सितारा विश्वकर्मा है, मैं वाराणसी से आई हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन उसके बीच में मैं 2018 में शायद फर्स्ट ईयर के बाद आई थी एक बार मुंबई, पापा से बोली मुझे पापा मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो पापा मेरे फर्नीचर का काम करते हैं, तो जानते हैं सब ऑफिस को जानते हैं, और मतलब बहुत सारी पहचान है उनकी, तो वो मुझे पहचान के जरिए एक ऑफिस में ले गए थे, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगी। अच्छा। उन्होंने बोला बेटा एक लाइन बोल कि मैं अपने मम्मी पापा की आज्ञा से ही कोई काम कर सकती हूँ, तो मैंने बोल दिया फटक से मैं अपने मम्मी पापा की आज्ञा से ही कोई काम कर सकती हूँ, तो वो तो देखे, फिर बोले उनके बगल में एक लेडीज़ थी, तो बोली नॉट बैड,
लेकिन तब उन्होंने बोला तुम क्या करती हो, मैं बोले सर मैं ग्रेजुएशन पढ़ रही हूँ उस टाइम, तो बोल रहे हैं तू अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आना। मैं बोले ठीक है सर, मैं तुरंत वहाँ से चली आई। फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन ली तो फिर मैं तभी तो मैं घर पे शांति से बैठना, गांव में थी शांति से बैठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। तो 9 महीने मैंने डांस क्लास ज्वाइन किए, फिर बीच बीच में मैं कंपटीशन लड़ने भी जाती थी। और फिर इधर सेकेंड ईयर कम्प्लीट हुआ, थर्ड ईयर कम्प्लीट हुआ, छोड़ दिए डांस। जब डांस छोड़ के घर बैठे तब मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था सोचने को, करने को, समझने को उस टाइम। और मेरी फैमिली भी मुंबई में थी और मैं अकेले गांव में, तो उस टाइम मैं बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में थी। तो मैं मोबाइल से एक दिन चला रही थी तो सर का वीडियो आया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे रास्ता मिल गया है अचानक से। जब कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, तब मुझे सर का जब वीडियो दिखा और रास्ता तब मुझे मिला। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि ऑनलाइन तो नहीं करूँगी तो ऑफलाइन करूँगी, मैं सामने से करूँगी सर के। तो मैं वेट की, पिछले साल भी आई थी मैं, सर बोले थे चालू करूँगा पर फिर चालू नहीं हुआ, तो फिर मैं वापस चली गई गाँव। तो अभी मैं फिर आई हूँ, बोलती हूँ सर मम्मी से, बोलती हूँ मम्मी दर्पण सर ऐसे वैसे, कौन दर्पण? अरे केसर सर। अच्छा जमाई ना जाके केसर, अच्छा तो मम्मी लोग ऐसे जानती है आपको। अच्छा। तो फिर बीच में मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया कोरस का, लेकिन उससे मैं इतना सेटिस्फाई नहीं थी, मुझे लगा था कि मुझे इसमें करना है कुछ। तो फिर मैं अभी क्लास आपका ज्वाइन की हूं सर, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है कि क्लास समझ में आ रहा है। गुड गुड गुड, थैंक यू, वेलकम। अब आते हैं जयश्री। जयश्री टिपिकल मराठी है। जी मैं मराठी हूँ, मेरा नाम जयश्री मोरे और मैं पेट ऑक्सपर्ट से पढ़ी हूँ। मैंने अपने स्कूल में कॉलेज में बहुत से पार्टिसिपेंट किए हर इसमें, बट यहाँ पर सर से मिलने के बाद अलग सी फीलिंग आई कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्टेज कैसा कर मतलब मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। बस हम लोग जैसे कॉलेज में करते तो वही हमसे करवाया गया था, पर आज भी जो ब्लॉकेज दिखाए वो समझना और प्रॉपर एकदम ढंग से, किसी को कहीं पे भी हिलना डुलना नहीं था एकदम प्रॉपर तरीके से, कि हर एक कैरेक्टर होता है जो हर कुछ ना कुछ बोलते रहता है कि चलो ये कैरेक्टर ये बोले, पर किसी को हटाते नहीं। हर किसी का कैरेक्टर सर ने इतनी तरह से निखारा और मुझे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं सर के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सर के साथ हूँ तो मेरा बेल्ट मतलब मैं निकल गई यहाँ से, मुझे टेंशन नहीं है। ये सही है। मैं निकल गई यहाँ, ये सही है, ये निकल गया, हो जाएगा हो जाएगा। और प्लस पता है सर की डांट भी मुझे खानी है, क्योंकि डांट से ही मैं सीखूंगी, मुझे पता है डांट तो पड़ती है। जब आपको प्यार मिलता है तो डांटने का भी हक मेरे पास है, और डांटना हूँ तो मैं आपके लिए, आपके अच्छे के लिए डांटता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे रहो जीवन में। ना आपने जो अब तक जिया है वो लाइफ का मुझे नहीं पता, लेकिन अब लाइफ जो सोच रहे हो वो लाइफ थोड़ी अलग है, तो उसको कैसे आपको आगे तक लेके जाना है, ये अगर मैं आज से हैमर नहीं मारूंगा तो आगे जाके आप ही परेशान होंगे। तो इसलिए शायद मेरी वैसे डांट अगर बुरी लगती है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तुम्हें लग रहा हूँ माफ़ी मांगूंगा, पापा हमेशा बोलते थे कि आपको आगे बढ़ना है ना कि पीछे, क्योंकि पापा बचपन से देखते आए कि आपको क्या करना है। मेरे डैड को समझ में आया कि मुझे क्या करना है, और मॉम ने भी समझ लिया, दोनों ने। अब आते हैं प्राची की तरफ। प्राची देहरादून से, राइट? हाँ जी। हेलो, मेरा नाम प्राची है और मैं देहरादून से हूँ। मेरे पापा आर्मी में हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो, तो इस फील्ड में तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब मना कर दिया था कि जाना ही नहीं है। अब मैंने मास कम्युनिकेशन किया है देहरादून से ही, तो उसी के साथ मतलब मैंने किया ही इसलिए था कि कम्युनिकेशन है तो इसमें कैमरा होगा और मीडिया है, तो साथ साथ में मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन किया, तो हम वहाँ पे तो करते ही रहते थे, और साथ में हम कभी भी ना ऐसे ग्रुप बना के बाहर सड़कों पे नुक्कड़ करने चले जाते थे। हाँ, वो हमने बहुत किया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर कोरोना आ गया था और मैं गांव में थी तो लॉकडाउन हो गया। एक साल तक मैं गांव में ही रही, कोई काम ही नहीं था। मैं सिर्फ क्या, या तो कोई प्ले देख लेती थी या फिर अपना स्क्रिप्ट को ऐसे तैयार करके उसी की तैयारी करती रहती थी। फिर मुझे धीरे पता चला कि ऑनलाइन एक्टर्स का ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, पर मैंने सोचा नहीं ऑनलाइन पता नहीं सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे।
फिर ऑनलाइन ऑडिशन का भी मैंने वो देखा, तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन ऑडिशन देके देखते हैं। तो जब मैं वापस आ गई, एक साल बाद वापस आई देहरादून, तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन वगैरह ऐसे देना शुरू किया। तो अब उसमें क्या है, फ्रॉड कितने हैं, तो कोई बोल रहा आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, कोई बोल रहा हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आप इतने जल्दी से अभी जमा कर दो, वहाँ आके आपको वापस मिल जाएगा। तो मैंने बोला पापा को, पापा यहाँ से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा, वो वैसे भी सपोर्टिव तो थे नहीं। तो वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस था, तो मैंने सोचा चलो एक्सपीरियंस के लिए उनके साथ काम कर लेती हूँ। किया मैंने म्यूजिक वीडियो किया, हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, लेकिन वो कुछ देते नहीं थे और ना ही कोई ऐसे पहचान होती थी, ना उनके कॉन्टेक्ट्स थे। मैंने सोचा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर पापा ने कहा कर लेना, एंकरिंग में चली जा, रेडियो का कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं घर बैठ जाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी, जब तक आप मानोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं, मैं यहीं रहूंगी। फिर मैंने बोला बोला बोला, तो फिर उन्होंने कहा चल ठीक है छोड़ देता हूँ तुझे, कर ले जो करना है। तो मैंने कहा पापा अब देखो ऑनलाइन क्लास का मैंने किया नहीं, तो दर्पण सर आपका मैंने चैनल देखा था, तो मैं वेट कर रही थी कब ऑफलाइन क्लासेस होगी। तो ऑफलाइन क्लास का जैसे ही वो आया, मैंने फटाफट बोला पापा ये तो मैं करूंगी करूंगी, मेरे को प्लीज जाने दो। पापा कह रहे कहाँ रहेगी, कोई नहीं जानता वहाँ पे, कोई भी नहीं है। मैंने कहा मैं देख लूंगी कर लूंगी, बाकी लड़कियां भी तो जा रही है ना, इतनी सारी लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं मेरे साथ के भी हैं। तो इसीलिए फिर पापा ने बोला जा, अब मान ही नहीं है सही है तो क्या करेगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है क्लास करनी है तो कर ले, उसके बाद देख लेना तो क्या करना है, मेरे से मत बोलना ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। और फिर मैंने कहा ठीक है, उसके बाद अगर मैं वापस आ गई तो जो आप बोलोगे कर लूंगी मैं। तो अभी तुम आई, जो तुमने नुक्कड़ नाटक किया था या जो तुमने किया था उससे अलग है क्लासेस या? हाँ, अब मैंने ऐसे सीखा तो नहीं था, तो एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो बारीकियां हैं वो यहाँ पे पता चल रही हैं कि स्टेज का वो कैसा होता है, मूवमेंट कैसे लेना है, ये छोटी छोटी चीजें जो सर बता रहे हैं उससे पता चल रहा है कि नहीं हम तो ऐसे ही कुछ भी कर देते थे, असली में तो ऐसे इस टाइप से होता है। तो उससे पता चला। जॉब करी कुछ कभी? नहीं, मैंने जॉब नहीं किया। बचपन से माइंडसेट था कि मुझे हाँ, मेरा बस यही माइंडसेट था। तो फाइनली आपने सुना कि सबके अपने अपने कंफर्ट जोन से निकल के यहाँ मुंबई पहुँचे हैं, और सबसे बड़ी बात सिर्फ जयश्री को छोड़कर बाकी सब लड़कियाँ मुंबई से बाहर से आई हैं। मैं उन लड़कियों से बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हाय सर कैसे होगा, हाय सर कहाँ रहेंगे, क्यों? ये भी तो रह रही है ना, प्राची भी तो आगे कर रही है ना, सिद्धि ने किया, बबीता एक इस एज में आकर अपनी फाइट कर रही है, सितारा को देख लो, सितारा कर रही है। तो भाई जिसको करना होता है वो कर जाता है, बाकी लोग क्या करते हैं, सर खाना मिलेगा सर, ए सर है दूध पीने को मिलेगा वहां पे, ए सर हमको आना है सर, ए सर अभी खेती बाड़ी पूरी कर ले सर, अभी खेती हमारी उगी है उसको काट ले पहले सर, फिर आएंगे सर, सोचते रहो। वेरी ऑनेस्ट, इसकी हिंदी खराब है, ये आई थिंक बिहार से, अब बनारस से हो, ठीक है, बनारस यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, इनको भी ज्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 दिन 5 दिन हुए हैं। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं इनकी भाषा को सुधारूं, मैं इनकी चीजों को सुधारूं, जो मेरे से हो सकता है मैं उस लेवल तक अपने आप को झोंक दूं इनके लिए, लेकिन इनको मुझसे कहीं ज्यादा काम करना है, क्योंकि इनको प्रूव करना है कि यस कोई सितारा कहीं पता नहीं क्या फाइट करके पहुंची है, सिद्धि कैसी फाइट की होगी, इसलिए हो सकता है बहुत सारी लड़कियां बता नहीं रहेंगी कि उनके साथ क्या क्या बीता होगा, लेकिन वो यहाँ पहुंची है, तो इसलिए मैं सम्मान करता हूँ लड़कियों का। और आप जो देख रही हैं लड़कियां, हिम्मत करना सीखो, कुएं के मेंढक बनना छोड़ दो, जीवन में अगर कुछ करना है तो एक सही स्टेप लेना सीखो कि मुझे करना क्या है लाइफ में। सपने उनके पूरे होते हैं जो आदमी ठान लेता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, और वो नहीं सर ए सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ सर, घर से कोई लेके जाएगा सर गोदी में, ए सर गोदी में उठा के लेके जाओ, इसकी माँ का साकी ना का, ऐसा थोड़ी होता है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। देखो लड़की को समझ आया, तुमको समझ नहीं है, है? बहुत गुस्सा आता है मुझे, सर हम क्या करें सर, बेटा डूब मर, क्या करें सर, अरे यार क्या करें सर, दुनिया कर रही है तुम सोच रहे हो। होता है कि लोग बोलते हैं जैसे हम सर सर करते हैं या सर दपन सर करते हैं, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे चाटुकारिता करती है ये या करता है ये जो भी होता है, तो नहीं चाटुकारिता नहीं, बहुत लोग इस इंडस्ट्री में डोमिनेटिंग है,
लेकिन क्या होता है ना, आप सही जगह पे आए हो। एक लड़की के लिए सही जगह पे आना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो स्ट्रगल करती हैं लड़कियाँ, वो जानती होंगी कि कैसे कैसे लोग मिलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एटलीस्ट सही जगह पे जाओ ना, उस चीज़ को समझो कि आपको एक सही इंसान मिला है। थोड़ा देर से ही, दुरुस्त ही, आप में कमियाँ होंगी, आप उसको पूरा करो और उस चीज़ उस जगह पे पहुँचो। नहीं तो ऐसे ऐसे फेक लोग हैं कि आपको ऐसे ऐसे घुमा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लड़कियों की बात कर रही हो, आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि वो आपको समझना है क्या सही है क्या गलत है। तो सर अगर हैं तो हम जानते हैं, आप कोई भी गूगल करो, जानते हैं सर को कि हाँ मैं सही जगह पे आई हूँ, मुझे इतना पता है, मैंने सब कुछ सर पे मतलब छोड़ दिया कि हाँ बस सर जानती हूँ। ऐसे और बहुत से आपको कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाएंगे छोटे छोटे, जो आपको डोमिनेट भी करेंगे। अच्छा तुमको, तुम्हारे तो 50% मैं ही खत्म कर दूंगा, बाकी 50% तुम कर लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन खासकर लड़कियों के लिए ही है कि आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है, क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बस हो जाए, आज गए हैं बस आज ही मिल जाए। काम आता है, टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तो काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब हम सामने वाले को खुद ही हड़बड़ी दिखाएंगे, ओहो हम मर जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे सर, हमें ये रोल मिल जाए, क्यों? सही बात है, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो फिर तुम कुछ भी क्यों करोगे? एक्टिंग करने आए हो ना, टैलेंट है तो फिर एक्टिंग ही करो ना, कुछ भी करके क्यों आगे जाना? सबसे बड़ी बात मैं आप सबको बोलता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि आप अपने आप को निखारो, बाकी काम मेरा। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, और आप तीनों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये दोनों है। अगर ये मेरे पास आई थी तो मैंने दिल्ली से बुला के मैंने काम दिया सिद्धी को, मैंने सामने से फ़ोन किया, सिद्धी करेगी आजा, ये है ऐसा ऐसा है, फोटोग्राफ भेज कर। तो मैंने कौन से इनसे पैसे मांग लिए या मैंने कौन से, मैंने कहा आपकी आपकी मेहनत का आपको चेक मिलेगा, और मिला। तो लोग ये कहते हैं ना, मैं ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर दूंगा, नहीं तेरे को मैं एक्टर बना दूंगा, हीरोइन बना दूंगा, तो इतना पैसा लगेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। तो सही जगह का चुनाव, सही लोगों का चुनाव करना आपको आना चाहिए। मैं नहीं, ऐसी तैसी में क्या दर्पण से साहब, मत आओ मेरे पास, लेकिन सही लोगों के पास जाओ। पूरे मुंबई में मेरे ऐसे सैकड़ों लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है, मुंबई खराब नहीं है। अगर जहाँ 10 खराब है वहाँ 10 अच्छे लोग भी हैं, तो वो 10 अच्छे लोगों को फाइंड आउट करो, ढूंढो, सही लोगों तक पहुँचो, गूगल करो कि वो आदमी क्या है। गूगल पे बहुत लोग ज्ञान, यूट्यूब पे बहुत लोग ज्ञान बांटते हैं, पहले चेक तो कर लो, उनकी खुद की हिंदी देख लो, उनके बारे में जान तो लो, फिर आप एक नया कदम उठाओ उनकी तरफ। तो सोच समझ के करो, बाकी इन सब का सम्मान, ये पहुँचे भगवान इनके सपनों को पूरा करे। आप फिल्मी फिल्मोनिया परिवार, इन सब के लिए दुआ करो कि ये अपने सपनों को पूरा करें। दूसरी बात, जो आना चाहता है सोच समझ कर आओ, जो करना चाहता है सोच समझ कर करो, जो भी करो तैयारी के साथ करो, ये फ्रॉड लोगों से बचो। मैं बार बार, मेरे अक्सर वीडियो से फ्रॉड लोगों के लिए आते हैं, क्योंकि मुंबई में हर कदम पर आपको फ्रॉड लोग मिलेंगे, तो आपको उनसे बचना है। फ्रॉड छोड़ो, वाहियात लोग मिलेंगे, फ्रॉड तो छोड़ो, वाहियात, जो किसी भी इंसान को दबाने की कोशिश करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप उनसे बचो। बचना क्या है, उनको सालों को हटा, सावन की घटा मतलब निकालो, सालों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, सही लोगों की तरफ बढ़ो, काम करो एकदम चौड़े में, कैसे एकदम चौड़े में कैसे एकदम तो खुश रहो, जुड़े रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भी आएंगे, मुझे मालूम है। तो जब आओगे तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन तभी आना जब तैयारी हो, वरना मत आना, जहाँ पे हो वहीं रहो। बाय बाय।